बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट पर संशोधन को बरकरार रखा है। तो संसद के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी पर रोक से भी इनकार कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट में अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी ये भी कहा है और बिना शुरुआती जांच के ही एफआईआर होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार को राहत एससी एसटी एक्ट को लेकर, जहां पर दुरुपयोग इस एक्ट का हो रहा था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें कि खुद ही यहां पर एफआईआर और गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिलहाल जब इस पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने संसद के इस फैसले को सही करार दिया है और गिरफ्तारी पर रोक से भी इनकार कर दिया। साथ ही एक्ट में अंतरिम जमानत नहीं मिलेगी ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। तो बिना शुरुआती जांच के ही एफआईआर होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एससी एसटी एक्ट 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत आज यहां पर मिल गई है, तो जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस विनीत शरण, साथ ही जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच मामले ने एससी एसटी संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है और राहत यहां पर सरकार को दे दी है। तो तत्काल गिरफ्तारी पर जिस तरह से रोक थी यहां पर, और एफआईआर के लिए भी यहां पर रोक लगाई गई थी, लेकिन फिलहाल अब तत्काल गिरफ्तारी भी हो सकती है, साथ ही एफआईआर भी होगी। तो दुरुपयोग का मामला, इसमें बताया जा रहा था कि इस एक्ट के चलते दुरुपयोग हो रहा है और इन्हीं शिकायतों के चलते उस वक्त कोर्ट ने यहां एफआईआर और गिरफ्तारी के प्रावधान पर रोक लगा दी थी, लेकिन संसद में कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए कानून में संशोधन किया गया और संशोधित कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन राहत फिलहाल सरकार को।